हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सिमिलैरिटी का ये वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो में जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस पर क्वेश्चन करेंगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग पहला वीडियो ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने पहला वीडियो देख लिया है तो आप लोग खुद से भी ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपने वीडियोज़ को पॉज करके पहले इसके आंसर्स खुद लिख लीजिए। सपोज़ करो हमारे पास दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं और इन ट्राइंगल्स के अंदर जब हम रेशियोज़ निकाल रहे हैं तो आपको हर ट्राइंगल में एक ही चीज़ ढूंढना है। क्या उस ट्राइंगल के अंदर कोई चीज़ आपके पास कॉमन आ रही है? अगर ट्राइंगल्स के अंदर आपके पास बेसिस इक्वल आ जाएंगे तो रेशियो ऑफ एरियाज बराबर हो जाएंगे रेशियो ऑफ देयर हाइट्स के, और अगर हाइट्स इक्वल आ जाएंगी तो रेशियो ऑफ एरियाज बराबर हो जाएंगे रेशियो ऑफ देयर बेसिस के। लेट अस से आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, पी क्यू और बी मतलब ये ट्राइंगल छोटा वाला जो यहाँ दिया हुआ है, इसका रेशियो आपको फाइंड करना है किसके साथ? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी के साथ, पी बी और सी के साथ। ओके, तो अगर हम लोग पहला वाला ट्राइंगल देखें तो हाइट आपके पास क्या है? तो फर्स्ट ट्राइंगल में हमारे पास हाइट हो जाएगी पी क्यू, और जो दूसरा ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल पी बी सी, पी बी और सी, उसमें आपके पास हाइट क्या आ रही है? पी क्यू। इसका मतलब ये दोनों ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनकी हाइट्स क्या आ रही हैं? सेम। और अगर ट्राइंगल्स की हाइट सेम आती है तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज किसके बराबर हो जाता है? रेशियो ऑफ देयर बेसिस के। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी के लिए लिखें तो पी क्यू बी के लिए हाइट हो गई पी क्यू और बेस आपके पास क्या आ गया? बी क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, पी बी और सी। पी बी सी के अंदर हाइट आपके पास पी क्यू है और बेस आपके पास क्या आ रहा है? बी सी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं बेस विच इज़ इक्वल टू बी सी। जब भी हम ये लिखें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो भी इस्तेमाल हो रही है उसकी रीजनिंग लिखना है। जैसे ये ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल्स विथ इक्वल इक्वल हाइट्स। ओके, दूसरा जो एग्जाम्पल आपके पास है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। देखिए बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले लोकेट कर लें वो किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पी बी सी, पी बी और सी मतलब ये ट्राइंगल बड़ा। दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी और सी। तो अगर आप फिर से देखें तो हमने एक चीज़ कॉमनली दोनों के लिए पढ़ी है, दैट इज़ वॉट? इट इज़ बी सी। और बी सी दोनों ही ट्राइंगल्स की क्या है? बेस है। और ट्राइंगल ए बी सी की भी बेस आपके पास क्या आ जा रही है? बी सी। इसका मतलब ये दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिनके बेसिस क्या हैं? इक्वल। अगर बेसिस इक्वल होंगी तो रेशो ऑफ एरिया बराबर होगा रेशो ऑफ देयर हाइट्स के। तो अगर हम लोग यहाँ हाइट कैलकुलेट करें तो ए पी बी सी के लिए, पी बी सी के लिए हाइट आपके पास क्या आ गया? पी क्यू। और ए बी सी के लिए अगर हम फाइंड करें ए बी और सी तो आपके पास हाइट क्या आ रही है? ए डी। ठीक है, ये हो गया यूसेज ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब जब भी आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो आपको रीजनिंग लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दीज आर ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस। ठीक है, ऐसे ही हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है जिसका नाम है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल आपके पास दिया है जिसका नाम है ए डी और सी। आप गैस कर सकते हैं क्या सेम है उसके अंदर? ट्राइंगल ए बी सी के अंदर और ट्राइंगल ए डी सी के अंदर बेस तो बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल का बेस है बी सी और छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है? डी सी। तो हो सकता है उनकी हाइट सेम हो। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो उसकी हाइट क्या होगी? हाइट होगी ए डी। और दूसरा ट्राइंगल जो आपके पास दिया हुआ है दैट इज ट्राइंगल ए डी सी, उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट फिर से ए डी है। इसका मतलब ये वो ट्राइंगल्स हैं जिनके अंदर हाइट्स क्या आ रही हैं? सेम। और जब भी दो ट्राइंगल्स की हाइट सेम तो रेशियो ऑफ एरिया किसके बराबर होता है? उनके बेसिस। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी के बेस की बात करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा? बी सी। और ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी उसकी बेस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू डी सी। अब हमने क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट वाली। तो यहाँ पर सेम रीजनिंग आएगी, दैट विल बी ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। ओके, और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, अब हमने देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ ली है, प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ ली है, तो ऑब्वियसली हो सकता है ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 1 पे।
तो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए डी और सी, और दूसरा ट्राइंगल आपके पास है पी क्यू और सी। ट्राइंगल ए डी सी के अंदर आपके पास जो हाइट है वो क्या है ए डी, और जो बेस है वो क्या है डी सी। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो लिख रहे हैं तो हो सकता है डी सी इंटू इट इज ए डी अपॉन नीचे जो आपके पास ट्राइंगल आ रहा है दैट इज ट्राइंगल पी क्यू सी, पी क्यू और सी। तो पी क्यू सी के अंदर आपके पास बेस क्या आ रहा है क्यू सी और हाइट क्या आ रहा है पी क्यू। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दिस इज क्यू सी इंटू इट इज पी क्यू। क्या आपको यहाँ कुछ भी सेम दिखा? नहीं। तो जब कुछ भी सेम नहीं होता है तो रेशो ऑफ एरियाज बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेशो ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर वन जो मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। जब भी आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे आपको वो पूरा स्टेटमेंट लिखना है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल बराबर होता है किसके, इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये चेक करना है कि जो भी दो ट्राइंगल्स आपके पास दिए हुए हैं उन ट्राइंगल्स के अंदर उनकी हाइट सेम है या उनकी बेसिस सेम है। अगर ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल हाइट्स है तो रेशो बराबर होगा इक्वल बेसिस के, अगर बेसिस इक्वल हैं तो रेशो बराबर होगा इक्वल हाइट्स के, और अगर कुछ भी सेम नहीं आ रहा है तो रेशो बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स के। होप आइडिया आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जाने वाले हैं दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो हमारा नेक्स्ट हिस्सा है दैट इज़ योर फर्स्ट थ्योरम फ्रॉम द चैप्टर सिमिलैरिटी। आपकी पहली एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस वन, प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है वो आप इस तीन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर पिकअप किया है ये आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर ही है, आप लोग उसका रिव्यू ले सकते हैं। थैंक यू।